सामने हाजिर हुए हैं सीएमईटी की अपनी अगली क्लास को लेकर, जिसका नाम है परियोजना रिपोर्ट के घटक, जिसे इंग्लिश में हम लोग दोस्तों कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज का यह जो लेक्चर है, इसे स्टार्ट करने से पहले हम अभी तक इस चैप्टर में, जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हो कि यह चैप्टर जो है परियोजना रिपोर्ट चल रहा है, और इसके अंतर्गत हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है अभी तक उनके बारे में जिक्र कर लें जल्दी जल्दी से। देखिए पहला, सबसे पहले हमने इसमें पढ़ाया है परियोजना के बारे में कि प्रोजेक्ट क्या होता है। उसके बाद आगे जब हम लोग पढ़े तो परियोजना रिपोर्ट के बारे में पढ़े कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है। फिर उसके आगे जब हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें पढ़ा कि परियोजना रिपोर्ट के लाभ क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हो कि यह चैप्टर जो है सीएमईडी का भाग 3 के अंतर्गत आता है। जैसा कि दोस्तों एक बार हम आपको बता दें कि भाग 3 में 2 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट रखते हैं एग्जाम की दृष्टि से, और यह अक्सर करके इन्हीं चैप्टरों से पूछा जाता है। और हमने पहला चैप्टर आपको उद्यम तथा उद्यमियता के बारे में पढ़ाया था, इंटरप्राइज एंड इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमने पढ़ाया था, इंटरप्राइज एंड इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाया था, और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसके बारे में हमने चर्चा भी किया था। और दोस्तों एक बार आपसे हम फिर कहना चाहते हैं कि आप जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, आपको जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसे आप अच्छी तरह कर तरीके से याद कर लें, एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा उम्मीद करेंगे। और आशा करते हैं कि आपके लिए हमारा जो लेक्चर है उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, परियोजना रिपोर्ट के घटक, इसे इंग्लिश में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों इसके निम्नलिखित घटक हैं जो इस प्रकार हैं। पहला घटक है जिसका नाम है भूमि, जिसे हम लोग लैंड के नाम से जानते हैं। दूसरा घटक है दोस्तों भवन, जिसे हम लोग बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। तीसरा दोस्तों विद्युत पूर्ति है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों। चौथा है दोस्तों जल आपूर्ति, जिसे हम लोग वाटर सप्लाई के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसी तरह आगे हम पढ़ेंगे तो हमारा अगला टॉपिक है उपस्कर व मशीनें, जिसे हम लोग इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं। हमारा छठवां टॉपिक है कच्चा माल, जिसे हम लोग रॉ मटेरियल के नाम से जानते हैं। और आगे हमारा है श्रमिक, जिसे हम लोग लेबर के नाम से जानते हैं। उसके बाद है हमारा वित्तीय स्रोत, निर्माण प्रक्रिया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारा लास्ट चैप्टर जो है लास्ट टॉपिक जो है लाभ विश्लेषण है। क्या है? लाभ विश्लेषण। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम अपने इस लेक्चर में इन टॉपिकों का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है भूमि। भूमि जैसा कि दोस्तों आपको जानकारी होगी, आप जानते हो कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होती है। बिना भूमि के हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बातें यहाँ को जिक्र किया गया है इस टॉपिक में। किसी भी परियोजना, किसी भी निर्माण परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है। बिना भूमि के परियोजना रिपोर्ट नहीं बना जा सकती। परियोजना रिपोर्ट में भूमि की उपलब्धता का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए। ठीक है, आगे दोस्तों हमारा सेकेंड टॉपिक है जो हमारा क्या है, भवन, बिल्डिंग इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। परियोजना रिपोर्ट में फैक्ट्री भवन का कुर्सी क्षेत्रफल, भवन फैक्ट्री भवन का कुर्सी क्षेत्रफल, छत मतलब इंग्लिश में हम लोग रूफ के नाम से जानते हैं, फर्श जिसे हम लोग फ्लोर के नाम से जानते हैं, कुर्सी जो कुर्सी क्षेत्रफल है इसे हम लोग लेंथ एरिया के नाम से जानते हैं, बनावट छत की ऊंचाई आदि का वर्णन होना चाहिए। आगे हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे, हमारा आगे का टॉपिक है विद्युत पूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी। आप दोस्तों जानते हो कि किसी भी प्रोजेक्ट में हमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत उपयोगिता है, बहुत आवश्यक है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम परियोजना में जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो हमारी परियोजना चल रही है, उसमें जो मशीन वगैरह जो चलाई जा रही है उसे हम लोग ऑपरेट नहीं कर पाएंगे बिना विद्युत के।
ठीक है, तो विद्युत, देखिए परियोजना रिपोर्ट, विद्युत का वर्णन परियोजना रिपोर्ट में, विद्युत में भूल गए हैं यहाँ पर, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, परियोजना रिपोर्ट में विद्युत का वर्णन होना चाहिए। परियोजना लिख देते हैं हम यहाँ पर, परियोजना रिपोर्ट में विद्युत का वर्णन होना चाहिए चाहिए जिससे कि विद्युत मशीनों के लिए पावर कहाँ से आएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट में विद्युत की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा जल आपूर्ति। देखिए दोस्तों, जिस तरह हमें बिजली की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमें प्रोजेक्ट में पानी की भी आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र में कार्य हो रहा है, वहाँ पर कार्य करने वाले जो मजदूर हैं और वहाँ पर जो प्रोजेक्ट में जो कार्य में जो मशीनें हैं, उनकी धुलाई सफाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इन्हीं बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। जैसे देखते हैं दोस्तों, जिस क्षेत्र में कार्य होना है, वहाँ पर पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों को पानी पीने में आसानी हो तथा मशीनों व उपकरणों की सफाई व धुलाई में पानी की आवश्यकता होती है। आगे हम लोग टॉपिक हमारा है उपस्कर, उपस्कर व मशीन इक्विपमेंट। परियोजना रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता चलता है कि उद्यमी, जैसा कि उद्यमी के बारे में हमने पहले जिक्र कर चुके हैं और कई बार हमने इसको रिवीजन भी किया है और बताया भी है, इसलिए हम यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं करेंगे कि उद्यमी क्या होता है। तो उद्यमी को उद्योग के लिए कितनी मशीनें व उपस्कर की ज़रूरत पड़ेगी, उन सब का जिक्र क्या होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता है। आगे हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे क्या है कच्चा माल, इसे इंग्लिश में हम लोग रॉ मटेरियल के नाम से जानते हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है? परियोजना रिपोर्ट में कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा और उसके परिवहन में कितना खर्च हुआ है, इन सब बातों का क्या होता है, वर्णन होता है किसमें, परियोजना रिपोर्ट में। कहने का मतलब, कोई भी कच्चा माल हम ला रहे हैं तो उसको परिवहन में कितना खर्चा, लाने में कितना खर्चा हुआ परिवहन के माध्यम से, उन सब बातों का प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वर्णन होता है। आगे हमारा टॉपिक है क्या है, श्रमिक। आगे वाला टॉपिक हमारा श्रमिक, जिसे हम लोग इंग्लिश में लेबर के नाम से जानते हैं। परियोजना रिपोर्ट में उद्योग चलाने के लिए आवश्यक कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की संख्या, कौमा वर्ग, कौमा मजदूरी दरें इत्यादि का ब्यौरा होना आवश्यक है, जिससे कि परियोजना रिपोर्ट देखने में पूरा पूरा ज्ञान हो जाए। कहने का मतलब, जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं परियोजना में, उनकी परियोजना रिपोर्ट के माध्यम से हमें पूरा पूरा देख कर ज्ञान हो जाए कि कितने कुशल हैं, कितने अकुशल श्रमिक हैं, कितनी संख्या है, कितनी मजदूरी दे की जा रही है, ठीक है, तो आदि का क्या होता है, यहाँ पर ब्यौरा होता है। आगे हम लोग चलेंगे वित्तीय स्रोत। वित्तीय स्रोत, देखिए वित्तीय स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह वित्तीय स्रोत किसी भी परियोजना के लिए पैसा, बिना पैसे के हम परियोजना की कल्पना तो कर सकते हैं मगर उसे हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है, साइट पे नहीं बना सकते बिना पैसे के। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आपको याद आ रहा होगा कि पहले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा आपको 5M के बारे में, ठीक है, निर्माण प्रबंधन के आवश्यक संसाधन, ठीक है, तो वहाँ पे आपको 5M का जिक्र किया गया होगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका मनी, मनी है, फिर मैन पावर है। 5M क्यों कहा गया? क्योंकि उस वह अंग्रेजी के पहला अक्षर जो M है, उसी से सभी का स्टार्ट होता है, इसीलिए उसे 5M के नाम से भी जानते हैं। और 5M एग्ज़ाम में अक्सर करके पूछा जाता है आपके कि 5M से आप क्या समझते हो, ठीक है, इसे कई तरीके से घुमा के क्वेश्चन किया जाता है। फिलहाल जब हम वापस रिवीजन करेंगे तो हम आपको पहले चैप्टर से पूरा पढ़ाएंगे और जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे पढ़ाने की, तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, जब हम रिवीजन करेंगे तो एक एक दिन में एक एक चैप्टर ख़त्म करेंगे, तो मुश्किल से आपको 15-16 दिन में ख़त्म हो जाएगा पूरी किताबें, ठीक है, तो आप लोग धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक बार पूरा रिवीजन कर दें, ठीक है। फिर चलिए दोस्तों देखते हैं, 5M दोस्तों आप जानते हो, 5M मनी मटेरियल मैन पावर, एम फॉर मनी, एम फॉर मटेरियल, एम फॉर मैन पावर, एम फॉर मशीनरी और एम फॉर मैनेजमेंट, ये पांच हैं, इसलिए इसे 5M के नाम से हम लोग जानते हैं।
है, जिसका जिक्र हम लोग पहले चैप्टर में किया गया है, जिसका जिक्र पहले चैप्टर में किया गया है, ठीक है। निर्माण प्रबंधन के आवश्यक संसाधन के नाम से भी इसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है एग्जाम में, कि निर्माण प्रबंधन के आवश्यक संसाधन से आप क्या समझते हैं, या दूसरे शब्दों में कह दें कि 5 M से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो 5 M यही होता है कि यह अंग्रेजी के MHS से आपकी सारी शुरुआत होती है। देख लीजिए, पहला है मनी, दूसरा है मटेरियल, तीसरा है मैन पावर, चौथा है मशीनरी और पांचवा है मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये हम जो टॉपिक है इसमें चलते हैं। वित्तीय स्रोत, यह एक मुख्य विषय है जिसकी चर्चा परियोजना रिपोर्ट में की जाती है। परियोजना में अनुमानित खर्च तथा इस पैसे की व्यवस्था कैसे की जाएगी, अगर पैसा ऋण लेना है तो विभाग या वित्तीय संस्था का नाम, राशि, ब्याज दरों का उल्लेख होना जरूरी होता है जो परियोजना रिपोर्ट होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला टॉपिक है हमारा निर्माण प्रक्रिया। निर्माण प्रक्रिया क्या होती है? परियोजना रिपोर्ट में उद्योग में अपनाई जाने वाली उत्पादन प्रक्रिया का उल्लेख होता है। अगला टॉपिक है आपका लाभ विश्लेषण। लाभ विश्लेषण परियोजना, देखिए लाभ विश्लेषण में क्या होता है कि मतलब आप कोई भी प्रस्तावित जो भी परियोजना है आपकी, आप को मालूम होना चाहिए कि आप जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो इससे क्या लाभ है, क्या हानि है, ठीक है। तो इसका जिक्र हमारा परियोजना रिपोर्ट में होता है, वो इसी के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। परियोजना रिपोर्ट में लाभ विश्लेषण एक अहम घटक है जिसके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि प्रस्तावित उद्योग या किसी कोई परियोजना या किसी परियोजना कितना लाभ होगा, ये रिपोर्ट में पता चलता है, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक था ये लास्ट टॉपिक था प्रोजेक्ट रिपोर्ट चैप्टर में, और जितने भी हमने इस चैप्टर में आपको टॉपिक बताया उसे अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें नोटबुक में और अच्छी तरह से याद कर लें, उम्मीद करेंगे कि एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा दोस्तों। इस जो परियोजना रिपोर्ट के घटक हैं इसको कई प्रकार से पूछा गया है एग्ज़ामों में, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि CMET जो चैप जो सब्जेक्ट है इसमें जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो अक्सर घुमाए घुमा के पूछे जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और इंग्लिश का ज़रूर ध्यान रखें, टेक्निकल टर्म्स जो हैं उनका ज़रूर ध्यान रखें, आप लोग याद कर लें उसे। जैसे मसलन आप घटना पढ़े होंगे, एक्टिविटी जैसे इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, घटना को इवेंट बोलते हैं और एक्टिविटी संक्रिया होती है, तो आपको आपने पढ़ा होगा इसे, क्या होता है घटना, क्या होता है संक्रिया, क्या होती है मतलब इवेंट, घटना मतलब इवेंट क्या होता है और संक्रिया मतलब एक्टिविटी क्या होती है। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि पूछ देता है कि एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं, तो आपने अगर हिंदी याद किया है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्टिविटी होता क्या है। अब आपको एक्टिविटी के बारे में तो पता है कि संक्रिया के बारे में तो आपको मालूम है, आपने पढ़ा है और अच्छी तरह से तैयार किया विद एग्जाम्पल विद फिगर के साथ, बट आपने प्रश्न को समझ ही नहीं पाए, क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाए, जैसे आप एग्जाम में छोड़ के चले जाते हो और जब घर पर ढूंढते हो बुकों में तब मिलता है कि अरे ये तो वही था, तो बहुत अफसोस होता है उस टाइम। तो आप लोग दोस्तों, वैसे भी आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और आप लोग देखते आए हो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर पहुंच गए आप लोग, तो काफ़ी कुछ चीज़ों से गुजरे होगे, तो आप हमसे बेहतर समझ रहे हो और जानते हो और अच्छे हो तभी यहाँ तक पहुँचे। मेरी दुआ है कि आप लोग अच्छे से इस बार ऑनर्स होके निकलें और अच्छा करें, और दोस्तों आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि भाग एक, भाग दो, भाग तीन, तीनों को रिवीजन मैं फिर से करूँगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो परियोजना रिपोर्ट के घटक हैं इसे किस तरह से पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आप उन्हें देख लें। ये अक्सर करके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, जैसे इसे पूछने का तरीका, अगर आप एक पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, कैसे पूछा जाता है उसके बारे में हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। तो इसे पूछा कैसे जाता है, इसे इस तरह से पूछा जाता है कि परियोजना रिपोर्ट के घटक क्या हैं इसके बारे में समझाइए, पहला तो ये हो गया। दूसरा हमारा कि परियोजना, इसे फिर किस तरह से पूछा जाता है, परियोजना रिपोर्ट के विभिन्न अंग बताइए, संक्षेप में वर्णन करें, ये दूसरा है। क्या हमने बोला कि परियोजना रिपोर्ट के विभिन्न अंग को बताइए,
ये भी आपका क्या है, ये भी जब भी पूछेगा तब भी आप ये लिखोगे परियोजना रिपोर्ट के घटक के बारे में। फिर एक तरीके से और पूछा गया है कि किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए किन किन सूचनाओं का उपलब्ध होना आवश्यक है, संक्षेप में वर्णन कर लें। फिर से हम रिवीजन करते रहे, लिख लीजिए दोस्तों कि कैसे पूछा जाता है परियोजना रिपोर्ट के घटक को। देखिए, किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए किन किन सूचनाओं का उपलब्ध होना आवश्यक है, संक्षेप में वर्णन करें। तो दोस्तों ये अक्सर करके एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों हम लोग पहले जो टॉपिक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, प्रश्न जो चैप्टर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, हम उन टॉपिक को, उन चैप्टरों को पहले कवर करेंगे। फिर समय बचेगा तो हम जो बचे चैप्टर हैं उनको भी हम क्लियरिफाई करेंगे। आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।